Check the mic and make sure it sound right, boys. गाइस, तो फिर हम भोपाल से सतपुरा की ओर निकले। सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है, हम रात में नहीं पहुंच सकते थे। और वो एरिया ऐसा है, मतलब वो गांव में है, सतपुरा टाइगर रिजर्व गांव गांव से होता हुआ गया है। और वहां पे ना ही रोड प्रॉपर है, मतलब ज़्यादा कच्चा है, वो आप आगे ज़रूर देखेंगे। तो हम भोपाल से निकलते से ही होशंगाबाद पहुँचने वाले रहते हैं। तो बिट्टू के पापा के फ्रेंड भी वहीं रहते हैं, तो हमने उनसे सजेशंस लिए कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप आज रात होशंगाबाद ही स्टे करें, और उसके बाद वहाँ से 2 घंटे की दूरी से ही टाइगर रिजर्व लग जाता है। तो हम वहीं रुके, और वहीं से उनकी ही मदद से हमने हमारा डाटा अपलोड करा, और रात में 2 बज जाती है फिर अपलोड करने पे। हाय गाइस, तो हम रुके हैं आज होशंगाबाद में, और अभी हाल हम आए हैं डाटा अपलोड करके। रात को 2 बज चुकी है। ये ज़रा सा हमारा सब सेटअप है, ये पलंग वलंग है इधर, ये हमने सामान रखा हुआ है उधर। और बस यही है, अब कल हम निकलेंगे सतपुरा यहाँ से, जो कि 2 घंटे की दूरी पे है। The next day. हाय गाइस, तो ये हमारा अगला दिन, सुबह हो गई है, और बस अब हम निकल रहे हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह करके। सुबह का मौसम दिखाता हूँ आपको। ये A few moments later. तो अभी हम आए हैं नर्मदा घाट के किनारे, सुबह सुबह दर्शन की ओर। A few moments later. गाइस, तो हमें सतपुड़ा रोड पे टाइगर रिजर्व के, और यहाँ पर भी रेलवे पास पर रुके हैं। यार हर जगह जाते हैं वहीं पे ये लग जाता है। ये देखिए, खाते जाओ, जब भी प्यास लगे ना अपने को ही खाना है, ताकि पानी बता के रखें थोड़ा। तो दोस्तों, यही छोटा रास्ता टाइगर रिजर्व के गेट की ओर हमें ले जाता है। खासकर सतपुरा टाइगर रिजर्व का ये जो रास्ता है, ये भले छोटा है, और हमने एक ये शॉर्टकट ले रखा है। ये पूरा घाट सेक्शन है करीबन 10-12 किलोमीटर का, और बहुत ही सावधानी से हमको यहाँ पर बाइक चलाना पड़ी थी। पूरा जंगल, आसपास कम आबादी वाले गांव यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको भी, और बहुत सावधानी से यहाँ पर बाइक चलाना है। कुछ जगह तो रोड भी गायब हो चुकी है, और कुछ जगह तो ये टाइगर जोन चल रहा है अभी। यहाँ पर कभी भी बाघ आ सकता है। अलग अलग जगह यहाँ पर बोट्स लगे हुए हैं कि आप कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें। रास्ता ही ऐसा है, ये वैसे मेन रोड है पर कच्चा है। हर जगह यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहाँ पर कभी भी रास्ते में रुके ना, और जल्दी से इस रास्ते को कवर कर लें। हमारे साथ समस्या ये थी कि बाइक तेज़ चला नहीं पा रहे थे हम, और हमको ये जल्दी कवर करना था। साथ में यहाँ पर कुछ रोड अच्छी भी आती हैं, ये जैसे कि यहाँ पे काम चल रहा है, और कुछ रोड फिर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई। तो गाइस, हम पहुँचते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व में, और उस दिन तापमान बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। पता नहीं क्यों होता है, वो अचानक से फ्लक्चुएशन होता है मौसम में। तो हम वहाँ पे जाते हैं, फटाफट सारा हमारा शूट करते हैं, बहुत थक जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ पे मैनेज करनी रहती है। जैसे तैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं ऑन द वे टू पचमढ़ी। तो इसमें हमने आपको ना गेट बता पाए ना कुछ बता पाए, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है, और साथ में हम 2-2 कैमरे कैसे हैंडल करें। सामान भी था हमारे साथ में, हम 2 जने थे। तो जितना हो पाया, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं जितने क्लिप्स हैं मेरे पास सारी मैं डाल रहा हूँ, और वहाँ की नहीं है तो नहीं डाल रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। 5 hours later. हाँ गाइस, तो अब हम सतपुरा कंप्लीट करने के बाद पचमढ़ी को निकल रहे हैं। रास्ते में अभी वॉशरूम ब्रेक। हाँ गाइस, तो आप समझ ही चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस वाले व्लॉग में हम सिर्फ सड़कें ही बता पाए आपको, तो आप सड़कों का ही आनंद लिया आपने। तो थैंक यू गाइस, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है और आपने आपका टाइम दिया है, तो मैं समझ चुका हूँ कि आप हमारे व्लॉग से कितना प्रेम करते हैं और हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।